हेलो दोस्तों, दिस इज़ रमी राइडर फ्रॉम ncrmotorcycles। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़रूरी है आप भाइयों को देख लेंगे। ये बेसिकली बताऊँ, ये मेरी जो नई बाइक मैंने ली है सुजुकी GSX S750 उसके ऊपर, सुपर बाइक के ऊपर। बट ये प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है। प्रॉब्लम क्या दोस्तों, जब आप नई बाइक लेते हैं तो उसके नंबर प्लेट वगैरह मिलती है तो वो लगाने का इशू आता है। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका, वो मुझे मजबूरन हटानी पड़ी, कोई और वजह थी। तो नंबर प्लेट लगाने की सही तरीका क्या है, क्योंकि आजकल जो आ रही है वो पंचिंग नंबर प्लेट आ रही है अथॉरिटी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, वो पंचिंग नंबर प्लेट है, उसमें नट बोल्ट नहीं लगा सकते। और वो क्योंकि एल्युमिनियम की तो बहुत जल्दी टूट जाती है, उसको लगाने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जो नई बाइक जो मैंने ली है उसकी नंबर प्लेट मेरे पास आ गई है, वो मैं लगा रहा हूँ उसके अंदर। बट इसके अंदर कुछ इशू ये आ रहा है कि क्योंकि सुपर बाइक है उसमें आगे इतना स्पेस नहीं होता, तो कंपनी ने एक अलग से स्टैंड बना के दिया है वहाँ पर फ्रंट नंबर प्लेट लगाने का। बट वहाँ मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ केस ऐसे आते हैं, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं सुपर बाइक और भी आती हैं, तो नई बाइक के साथ एक अजीब ही केस आता है कि वो ब्रैकेट टूट है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत अजीब लगेगी वो। आप देखिए मैं किस जगह लगा रहा हूँ, उसको तरीका क्या है लगाने का। और हाँ, एंड में बताऊंगा कि अगर आपके पास दूसरी बाइक है या कोई भी बाइक है तो उस पर नंबर प्लेट लगाने का तरीका क्या है। तो बिना देरी के चलते हैं बाइक की तरफ और देखिए मैं कहाँ नंबर प्लेट लगा रहा हूँ, किस तरीके से लगा रहा हूँ और आपको किस तरीके से लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये खड़ी मेरी सुजुकी GSX S750 जो मैंने नई ली थी, जैसा आप जानते हैं भाई सब लोग। इसके साथ अब एक इशू आ रहा है। देखिए मैं इसको अभी चला नहीं रहा था काफ़ी दिन से, बिकॉज बाइक की नंबर प्लेट नहीं आई थी। अब नंबर प्लेट मेरी आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और उसके साथ दिक्कत आ रही है, नंबर प्लेट ये रही मेरी बाइक की, नंबर प्लेट आ चुकी है। तो मुझे अब नंबर प्लेट लगानी है, देखिए पीछे तो बहुत सही तरीके से लग जाएगी, ठीक है ना। अभी टेम्परेरी नंबर का लगा हुआ है, यहाँ प्लेट है, यहाँ ये हटा के मैं लगा दूंगा। बट बात करें आगे की, तो आगे का इसमें स्टैंड दे रखा है जो कि सुपर बाइक में यहीं आता है। सुजुकी जितनी सुपर बाइक हैं उनका स्टैंड यहीं पर आता है, ये देख सकते हैं। और वैसे तो ठीक है, चलिए यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी, ये हमारी प्लेट यहाँ आ जाएगी। थोड़ा इमेजिन करिए दोस्तों, क्या ऐसी बाइक पे सूट करेगी यहाँ पे नंबर प्लेट, बताइए, आप खुद बताइए। नहीं ना, तो कैसे हो जाएगा भाई, मतलब यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट लगाना तो भाई कोई मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ा रीज़न, चलो अच्छे को छोड़ो, नंबर है, नंबर कहीं भी होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, साफ दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, ठीक है। बट एक इशू ये है, ये देख रहे हैं आप टायर से भी आगे है, इन केस कोई भी, जैसे हम लोकल सिटी में चलाते हैं कभी चलाते हैं, तो सबसे पहले ये हिट होएगी तो ये इसके शॉकर जो नीचे की लेग है इसके कितने हल्के हैं, यहाँ से ये टूट जाएंगे। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कितने खोल के दिखाऊंगा, बहुत हल्के हैं क्योंकि खाली सपोर्ट मरगाड रोकने के लिए होता है ये, ठीक। तो लगते ही इसके टूट जाएंगे नक्के टूट जाएंगे, फिर ऑप्शन है शॉकर चेंज करो, और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ नंबर नहीं लगा रहा हूँ, एक आइडिया मेरे आया दिमाग में क्लिक करा है कि मैं इसकी नंबर प्लेट जैसे कि सुजुकी की और बाइकों में आती है यहाँ पर यहाँ लगा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, इस जगह पे ब्रैकेट लगाएंगे, तो ब्रैकेट बनाते हैं और देखते हैं मैं कैसे बना सकता हूँ। तो इसका बस ब्रैकेट बना के मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बनाया है, यहाँ की कुछ बनाते हैं। फिलहाल के यहाँ लगाऊंगा नहीं नंबर प्लेट, क्योंकि टायर से बहुत आगे हल्के से टच होते टूट जाएगा, और दिखाता हूँ कितना कमज़ोर नक्का है, वो टूटना ही टूटना है। तो मैं यहाँ पे इसके लगा रहा हूँ, यहाँ का एक ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि वो लगा सकें, उसके बाद हम नंबर लगाएंगे। और नंबर के बाद जैसे मैंने बताया, नंबर के बैकग्राउंड में खाली ये प्लेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, क्योंकि एलॉय की होती है ये, तो हल्की होगी। मैं क्या करूँगा, मैं इसको बैक पीछे की तरफ इसकी ओरिजिनल प्लेट जो आती है लोहे वाली मेटल की, ये रखूँगा आगे भी और पीछे भी, तो आपके सामने होल वगैरह करूँगा। तो ऐसे लगाते हैं, सबसे पहले जो मेरे लिए टास्क है कि यहाँ के लिए पत्ती बनाना, पत्ती बनाते हैं, फिट करते हैं और देखते हैं खोल के कि यहाँ सपोर्ट झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, खैर झोल लेगी कि ज़्यादा हैवी नहीं है। चलिए कोई बढ़िया सी पत्ती बनाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने पत्ती बना ली है, ये ब्रैकेट जो बनाया है ये बेसिकली यामा FZ का है, FZ की ये, और मैंने कट करा है यहाँ पे, ये पूरी दो पत्तियाँ होती हैं यहाँ पे निकली वैसी, वो मैंने कट कर दी, सॉरी उसके लिए दिखा नहीं पाया। तो इसके हिसाब से बिल्कुल फिट हो जाएगा ये, यहाँ पे सही सेट होगा। इसको टाइट कर लेते हैं, हम पहले इसको खोल के देते हैं यहाँ जगह कैसी है, आपको दिखा दूँ। मैं तो खैर देख चुका हूँ, इसके साथ एक इशू होने वाला है मेरे साथ कि ये होते हैं भोगली वाले बोल्ट जो कि प्लास्टिक को पूरा दबाते नहीं है, एक पॉइंट पर आके रुक जाते हैं। चलिए ये बेसिकली क्या है, मीटर इस पर ब्रैकेट पे टाइट है, देख सकते हैं, और ये जो है मीटर में टाइट है, ये पिन जो है मीटर में लगी हुई है, तो हम लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बट ये दिक्कत आएगी इसके साथ कि ये ब्रैकेट मोटा है, तो यहाँ पे अब इसको
जुगाड़ तो आप समझ रहे हैं ना कि ये अंदर की तरफ है, ये बड़ी है, इससे अंदर दबेगी तो ये या तो ख़राब होगा, तो इसके लिए एक जुगाड़ है। ये वाले पेज छोटे पड़ेंगे, अब लग नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने क्या जुगाड़ बनाया आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बुलेट के क्लच लीवर के बोल्ट, ये बुलेट के क्लच के लीवर के बोल्ट हैं, ओल्ड मॉडल के, यहाँ पे क्लच और ब्रेक में लगते हैं लीवर में, उसके बोल्ट हैं, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बिल्कुल भोगली का काम करेंगे ये। अब सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ के लिए, तो उसके अंदर मैं चार वाशर इधर लगा रहा हूँ, दो तीन चार, चार लगाने की दोस्तों ये वजह है, इसके बाद जितना स्पेस इसमें आ रहा है इसके बराबर का ही होगा, देख सकते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इसके लेके। तो चूड़ी सेम है हमारी 8 नंबर की, और एज इट इज़ हम इसमें भी करेंगे ऐसी। दोस्तों इसका ये फ़ायदा है, कभी मुझे हेडलाइट खोलनी पड़ेगी तो मैं इसको चाबी से खोल सकता हूँ आसानी से। अभी दिक्कत एक और इशू आने वाला है हमारे साथ, क्योंकि जो मैंने नंबर देखे हैं, बस ये हो गई टाइट, और इस पर कोई लोड भी नहीं है इतना, तो प्लास्टिक पे दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों ये तो मैंने लगा दी है, अब दिक्कत आ रही है मेरे साथ, एक दिक्कत आ रही है, देखिए ये जो इसके होल्स हैं बिल्कुल बराबर हैं टाइट करने के लिए, परफेक्ट है, बट अगर हम इसको यहाँ लगाते हैं तो इसके होल पता है कहाँ आ रहे हैं, एक यहाँ और यहाँ। इसके हम अगर नीचे लेके जाएं, देखिए एक आ रहा है 8 नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर है, इस जगह आ रहा है, तो नंबर तो दोस्तों मैं ख़राब करूँगा नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक होल यहाँ कर रहा हूँ, एक होल यहाँ कर रहा हूँ, एज इट इज़ इसमें भी करूँगा, एक होल यहाँ, और एज इट इज़ इसमें लगा देंगे, क्योंकि अगर मैं इधर उधर करूँगा लेफ्ट राइट जैसे मैं चाहता यहाँ से यहाँ करना, वो बुरी लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तो हमें इसका बैलेंस बनाना है। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा बीच का स्पेस इतना खाली है यहाँ का और यहाँ का, तो मैं यहाँ और यहाँ होल कर रहा हूँ इसके अंदर, और इसमें भी फिर उसके हिसाब से होल करेंगे, खोल लेंगे इसको एक बार और, तो इसके अंदर ड्रिल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों आप खुद समझ आ रहे हैं, देखिए एक तो यहाँ से ही आ रहा है, दूसरा 8 नंबर पर आ रहा है, जब 8 नंबर पर रिपीट लग जाएगी तो 8 नंबर बचेगा ही क्या, वो तो 0 सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, नंबर ख़राब नहीं करने, नंबर विजिबल होने चाहिए हमारे पूरे। तो एक यहाँ और यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो स्टार्ट करेंगे हम इससे, क्योंकि हमारे पास एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं जितना बढ़ सके, ठीक है दोस्तों, यहाँ कर लिए, बट अगर बढ़ाया आती रहती है दोस्तों सामने दिक्कत, बढ़ाया तो इसके बिल्कुल टच हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ ड्रिल करके, और नंबर प्लेट भी ड्रिल करते हैं, आइए। तो दोस्तों इसमें ड्रिल कर ली है, अब सेम एज इट इज़ इसमें भी हम ड्रिल करेंगे, ठीक है दोस्तों बराबर में ही है, तो अब इसमें भी ड्रिल कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पंच मारना पड़ेगा एक, ताकि इसका सेंटर आउट ना हो, तो बिल्कुल बराबर आ चुके हैं ये। तो दोस्तों इसके सेंटर में मिला के इसमें पत्ती में होल कर लेते हैं, मैं इसका देख लेता हूँ कहाँ सेंटर में, यहाँ और यहाँ रहे,
इसको वापसी खोल लेते हैं और इस पर भी होल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें भी होल कर दिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं होल कर दिए हैं और रिप्लेस पर लगाए थे। अब क्या करना है, पीछे तरफ डायरेक्ट नहीं लगाना, पीछे यहाँ पे मैं एक फ्री नट डालूँगा ताकि ये सही टाइट हो जाए। ऐसे नट डालूँगा, उसके बाद इसको रिपटिक कर देंगे। तो ये हो गया, अभी इसके पिन यहाँ से टूट गए, काटूँगा तो, पर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, नंबर सही जगह आ गए। यहाँ से तो अच्छे यहाँ पे लगा था, ऊपर आ गया नंबर कम से कम। अभी हैंडल टेढ़ा है इसलिए आपको टेढ़ी लग रही होगी थोड़ी बहुत, तो ऐसे बिल्कुल सही आई है। अब पीछे की भी लगाता हूँ, पीछे के लिए भी ब्रैकेट में पीछे ये है, तो इसमें इसके हिसाब से होल कर देता हूँ पहले, उसके बाद इसको भी लगाते हैं पीछे। तो दोस्तों मैंने इसमें भी होल कर दिए हैं, अब वही टेक्निक हमारी, पीछे एक नट डाल के फिर ताकि वो वाशलर का काम करे। अब इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा यहीं छोड़ते हैं, दोबारा करेंगे इसको, यहाँ से भी सेटिंग बना देते हैं ताकि सेंटर में रहे, हमें हर एक चीज़ देखनी है इसकी। तो इसको थोड़ा सा बस यहीं अब इसको पंच कर देंगे। तो ऊपर से बेसिकली यहाँ से टूट रही है, अंदर से टूट ही नहीं रही है। हो सकता है इसके जो ऊपर की धार है वो कट खराब हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ से कट ना करके यहाँ से कट कर रही है। चलिए फिलहाल प्लेट तो लग गई, ये बिल्कुल परफेक्ट, अभी आवाज़ भी नहीं करेगी और देख सकते हैं बिल्कुल पंच हो गया बढ़िया करके। आइए अब मैं इसका आगे का ये दिखाता हूँ, ये जो हटा के कि कितना मज़बूत है ये, कटाएंगे आप देखिए कितने कमज़ोर हैं ये, दिख रहा है दोस्तों आपको, उंगली से ही पतले हैं। तो ये एक ही बार में बाई चांस कहीं पार्किंग वगैरह में कहीं खड़ी करके गया हूँ, बाइक किसी ने पकड़ के उठा लिया, तो वो एक ही बार में ये टूट जाएगा और टूटते ही शॉकर ख़त्म। इसका ब्रैकेट ढूंढो। आइए अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देता हूँ आपको। तो देखा दोस्तों आपने कि बाइक में मैंने नो प्लेट लगा दिया। अब मेन बात क्या है, अगर आप कोई भी बाइक ले रहे हैं, कोई भी टू व्हीलर ले रहे हैं, तो उसमें नंबर प्लेट कैसे लगाई जाए दोस्तों, उसके बैक जो पीछे की साइड है, जो आपकी नंबर प्लेट अथॉरिटी से मिली, उसके पीछे लोहे वाला बेस ज़रूर हो, क्योंकि आजकल नई बाइकों में नहीं आ रहा है वो बेस, तो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट लगाते हैं, एल्युमिनियम की इतनी पतली है कि वो टूट जाती है। अगर उसके पीछे ओरिजिनल लोहे वाली नंबर प्लेट लगा देंगे जो मेटल की आती थी, तो वो काफ़ी हद तक आपकी बाइक की नंबर प्लेट बच सकती है। आपने देखा होगा नई नई बाइक की नंबर प्लेट टूटी हुई है, किसी का आधा गायब है, किसी का DL गायब है, किसी का लास्ट के दो डिजिट गायब है, क्योंकि वो हिलते रहते हैं, बाइक बाहर खड़ी रहती है, कोई बच्चा आ गया, कोई पाँव लग गया, या किसी ने पीछे से गाड़ी हिट कर दी, तो नंबर प्लेट मुड़ती है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, तो आस्ते आस्ते मुड़ के वो चीज़, क्योंकि अलॉय वो टूटना एक ना एक दिन। अगर हमारी बाइक की नंबर प्लेट के पीछे वो लोहे की मेटल प्लेट लगी हुई होगी तो वो नहीं टूटेगी। अब बात करते हैं इस बाइक की। दोस्तों आपने देखा था कि आगे का शॉक अब्जर्वर जो है कि कितना कमज़ोर है, मतलब वहाँ से कमज़ोर क्या, वो खाली मरगाट के लिए, और जब नंबर प्लेट से कोई भी हिट करेगा उस ब्रैकेट से तो टूटना है। टूटने के बाद भाई ना मरगाट लगे ना कुछ, फिर ढूंढ जा रहे उसके शॉकर वगैरह लगाने के लिए। तो मैंने ऊपर लगाई ये नंबर प्लेट की पत्ती, मैंने आपको बताई है FZ के लिए है, मैंने FZ की पत्ती कट करके फिर लगाई है, क्योंकि नंबर प्लेट इतना वेट नहीं है, तो वहाँ लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऊपर नंबर प्लेट सुजुकी की जिक्सर में भी आती है, FZ में भी आती है, काफ़ी बाइकों में हेडलाइट के ऊपर नंबर प्लेट आ रही है, लुक भी अच्छी लगती है। और दोस्तों जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दोस्तों मेरी बाइक 700 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, और इसकी फर्स्ट सर्विस करूँगा मैं, यही होगी जल्दी, इसकी वीडियो आ रही है। और दोस्तों अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जाते जाते कि अब जल्दी ही इस बाइक को लेके वीडियो आने वाली है, सुपर बाइक्स की भी वीडियो आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, NCR मोटरसाइकिल पे खाली रॉयल एनफील्ड की नहीं, सुपर बाइक्स की आएंगी दोस्तों। यहाँ क्लियर करूँगा, सुपर बाइक्स जिसके सिलेंडर 4 होंगे, 3 होंगे, सिंगल सिलेंडर की कोई बाइक की वीडियो नहीं आएगी इसके ऊपर, कोई भी हो
सिंगल सिलेंडर की बाइक की वीडियो नहीं आएगी, 2-3-4 सिलेंडर की वीडियो आएगी, क्योंकि बुलेट से ऊपर कैटेगरी में आती है तो उस सबकी वीडियो आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इंतजार के नए वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। 2 मिनट रुको सर, को रेडी नहीं मिले थे उसके, कट करना पड़ेगा। गाना बजा रहे हैं अंकल जी, कॉपीराइट आ जाएगा। है आप कट करो।